सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है मैंने अपना यूट्यूब पे नया चैनल बनाया है। तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन है मेरे पास जो इंस्टाग्राम से आते हैं कि आपके पास कितने पैरट्स हैं और कितने बर्ड्स हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा अलेक्जेंडर है जो इतना सीधा पैरट है, देखने में सबसे ख़तरनाक ये लगता है लेकिन सबसे सीधा यही है। और इनकी फ्रेंडशिप बहुत तगड़ी वाली है। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि क्या अलेक्जेंडर और इनको एक साथ रख सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके अलेक्जेंडर और कॉकटेल पर डिपेंड करता है कि वो एक साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। कई बार क्या होता है कि अलेक्जेंडर बहुत अग्रेसिव होता है, वो नहीं चाहता कि उनके साथ केज में कोई और भी रहे। और बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि कॉकटेल बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। तो जैसे अभी मेरे देखो कितने फ्रेंडली हैं, ये दोनों एक साथ ही रहते हैं। जहाँ जहाँ ये ग्रीन वाला जाएगा वहीं वहीं ये दोनों इसको फॉलो करते हैं। कभी कोई बाइट नहीं, कोई लड़ाई नहीं। ये जबकि इनसे डरता है, ये डरता है कि मुझे फॉलो क्यों कर रहे हैं। ये देखो, देखने में इतनी बड़ी चोंच है इसकी और साइज़ वाइज भी बहुत बढ़िया है ये, लेकिन देखने में लगता है कि बहुत ख़तरनाक पैरेट है ये। और ये मेरे इतने सीधे सीधे हैं, ये सारी विस्लिंग करते हैं। लाइक इनसे आप कुछ भी, जैसे हैप्पी बर्थडे की पूरी विस्लिंग करेंगे, ये पीकाबू बोलते हैं और जिंगल बैल करते हैं। ये मेरी फीमेल है कॉकटेल की, इसका नाम जैनी है। और ये मेरा मेन है जो मेरे सर पे बैठा हुआ है इस टाइम। आ जा, ये है जैकी, जिसके नाम पे हमने अपना चैनल बना रखा है। तो प्लीज़ आप लोग भी जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। इनके काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो जो बिगनर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जिनको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी इशू हो, कोई भी चीज़ जाननी हो, तो मुझे कमेंट करें, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। और इनकी फ्रेंडशिप देखो, जैसे कि मैं इनको अभी कुछ खाने के लिए नहीं दे रहा, कोई स्पेशल ट्रीट नहीं दे रहा। ये वैसे अभी नॉर्मली मेरे साथ खेलना चाहते हैं। जब भी मैं इनको, मतलब ऑलमोस्ट मेरा ऑफिस होता है, ऑफिस से मैं 8, 8:30 या 9 बजे तक आता हूँ। ये पूरा दिन केज में रहते हैं, फिर मैं रात में आने के बाद इनको ओपन कर देता हूँ। और इतना फ्रेंडली होके मेरे साथ बैठते हैं, बहुत देर तक विस्लिंग करते हैं सारी चीज़ें। अभी रुको, मैं ट्राई करता हूँ, शायद ये विस्लिंग करें। आओ, मूड में नहीं है देखो बिल्कुल भी आने के लेकिन हम ट्राई ज़रूर करेंगे एक बार कि ये विस्लिंग करते नहीं करते। देखो इसको, इसके साथ ही रहना है भाई, ये नहीं जाना चाहता। इसके साथ आएगा तब आएगा, देखो अब आ जाएगा ये। अब ये अकेला जा रहा है ना, देखो आ गया, मेरे कंधे पे आके बैठ चुका है वो, देख रहे हो। चलो विस्लिंग करते हैं। ये मेरे एक सर पे आके बैठ चुकी है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हम इसको बोलते हैं बर्ड हाउस। जो एक ऑलमोस्ट जो मेरे रिलेटिव्स हैं या फिर जो मेरे नॉन्स हैं, मुझे बोलते हैं भाई तूने चिड़ियाघर क्यों बना रखा है। भाई चिड़ियाघर नहीं है, ये मेरे फैमिली के मेंबर हैं, सबको बता दूं। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये देखो, पिकाबू 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 पिकाबू। आई गेस मेरा चुप रहना भी सही होगा क्योंकि ये मूड में आ चुके हैं अब स्लिंग के। किटू किटू, मैंने कल इसकी एक वीडियो डाल दी छोटी सी, जिसमें कौन है चौकीदार या घर का चौकीदार करके उसका टाइटल है। आप वो वीडियो ज़रूर देखना, इसमें बहुत मतलब ये बात करता है। अभी तो ये इनके साथ क्या है कि ये कॉकटेल इसके साथ बहुत फ्रेंडली है, लेकिन ये थोड़ा सा डरता है इनसे कि ये कहाँ आ गया, मैं किन के साथ बिठा दिया मुझे। लेकिन ये बहुत फ्रेंडली, देखो आप इनके साथ ये मतलब बैठा हुआ है फिर भी आराम से विस्लिंग कर रहा है। ये जैकी है जो आपको ये वीडियो में दिख रहा है इस टाइम, ये जैकी है मेरा माई मेन बर्ड। सबसे पहले मेरे पास यही आया था, ये और जैनी जो मेरे सर पे बैठी हुई है इस टाइम,
ये जैनी थोड़ी सी अग्रेसिव है, कभी कभार मुझे बाइट कर लेती है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ बाइट करती है, बस हाँ ये है कि बाइट करती हैं। तो पैट हैं यार, पैरेट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कभी कभी थोड़ी बहुत बाइट कर लेते हैं, तो कभी भी इनको लेके वो ही अग्रेसिव नहीं होना चाहिए कि इसने काट लिया ये वो। जब इनको सेफ़ फील नहीं होता तभी ऐसा करते हैं, अदरवाइज़ ये कभी भी काटते नहीं हैं। तो आई गेस ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आज इसको हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।